जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं जमात की गणित की किताब का पाठ 7वां राशियां की तुलना अभ्यास नंबर 7.4 इस वीडियो में असी शुरू कर जा रहे हाँ। इस अभ्यास के पहले दो सवाल इस वीडियो करांगे। पहला सवाल दो वीडियो राही करांगे, सो तुसी वीडियो नू बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो और समझो। हल अपनी नोटबुक में उतार लो, पर बाद विच्चों दोनों सवालों नू अपने आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। सो आओ शुरू करिए। सो पहला सवाल है बच्चों, एक शोरूम विच एक टीवी सेट का मुल रुपए 36,500 है। विक्री कर जरा बच्चों होंगे सेल टैक्स, विक्री मैंने सेल टैक्स जोड़ा है उसे जोड़िया जाता है। एक होंगे पहले असं डिस्काउंट की गल सीखी है, डिस्काउंट घटाया जाता है जो मुल लिखा होंगे, तो सेल टैक्स होंगे जो चीज़ जिन्हें भी हैगी है उत्ते उन्ना प्रतिशत हिसाब ला के फिर उन्होंने जोड़िया जाता है। ठीक है, सो विक्री कर दी दर जी है 8% है, बिल की राशि पता करो। सो एक टीवी सेट का मुल है 36,500 रुपए। विक्री कर जरा बच्चों जो मुल है लिस्टड मार्क प्राइस है, छपे प्राइस है, उत्ते हमेशा लिया जाता है। सो 36,500 का 8% बराबर 36,500 दा मतलब है गुणा फीसद का मतलब है बटा 100। सो गुणा 8/100, यह दो सिफर के नाल दो सिफर कट गई, तो 8×5=40, 8×6=48, 48,052, 2×5=6, 38×24=29, 3820 रुपए, यह आ गया टैक्स कर। सो बिल की राशि कड़ी होगी बच्चों, टीवी सेट का मुल जमा विक्री कर वो जोड़ दिता जाएगा। सो मुल किन्ना है 36,500 जमा 2920, तो जोड़िया तो आ गया 39,420 रुपए हैगी है बिल की राशि। आओ इसी सवाल को दूजी विधि राही करते हैं। तो अगे बढ़ने तो पहले प्यारे विद्यार्थी दसदा, इसी चैनल पर 8वीं जमात की होर प्लेलिस्टा भी हैं, वो भी जरूर देखो। 8th मैथ हैगी है, मैं 8th मैथ नोट्स हैगी है, फिर अपना 8th साइंस हैगी है, 8th इंग्लिश, 8th ग्रामर, गणित के सिद्धांत और मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, सो आओ देखिए बच्चों, जरा सवाल है दूजे ढंग ना असी इदा करांगे कि विक्री कर नू वक्रे तौर पर हिसाब लाने की बजाय सीधा असी सूत्र वरतीए, तो साढ़े को सारा विक्री कर दे नाल जुड़ के जरा बिल की राशि आ जाएगी। सो एक टीवी सेट का मुल है 36,500 रुपए, विक्री कर दी दर हैगी है 8%, खरीद मुल जरा है बच्चे है बड़ा खरीद मुल मतलब कि बिल की राशि जी गाहक ने उन्होंने पैसे देने ने। ठीक है, वो है टीवी सेट का मुल गुणा ब्रैकेट 100% जमा 8%। ठीक है, यह जोड़ देना है, डिस्काउंट असं घटाते सके, कर जोड़ा जोड़ा जाता है, टैक्स जोड़ा जाता है। सो 36,500 गुणा 100% जमा 8%, सो 100 जमा 8 कितना हो गया 108, 108% हो गया। सो 108% का मतलब कि 108/100, तो यह गुणा, तो बचो यह दो सिफर ना दो सिफर कट गई, तो 365 में जल्द 108 ना गुणा करो तो सीधा टोटल को जवाब आ गया 39,420। सो बिल की राशि हैगी है 39,420 रुपये टैक्स देना। ठीक है जी, आओ हम दूजा सवाल देखिए। सो दूजा सवाल की है बच्चों, कहते विक्री कर समेत एक एलईडी टीवी, एलईडी की फुल फॉर्म पता है बच्चों तुम्हें की होंगी है, असी एलईडी टीवी तो सुनते हाँ है ना, पर एलईडी का मतलब की होंगे, एलईडी का मतलब होंगे बच्चों फुल, यह भी थोड़ी जनरल नॉलेज वाधा कर देव। तो चलो इधर उन्होंने याद आ रहा है, इसी चैनल के उत्ते एक प्लेलिस्ट हैगी एब्रीविएशंस, वो चो बहुत विस्तार के नाल उस प्लेलिस्ट में खड़े, मैंने याद नहीं आ रहा पहले पहले वीडियो बनाई सी, 7-8 वीडियो है जिहड़े बैंकिंग दे नाल, जनरल नॉलेज दे नाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे नाल, मिलिट्री दे नाल, खेडां दे नाल संबंधित मैं वक् वक् एब्रीविएशंस जिहड़ियां ने उन्हां दे विस्तारित रूप दस्से हुए ने। सो यह बच्चों बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जदों तुसी प्लस टू तो बाद ग्रेजुएशन तो बाद कोई पेपर दवोगे, पुलिस दे, सीपीआरएफ दे, रेलवे दे, बैंकिंग दे, उहदे विच इदां दे सवाल आउंदे ने कि एलआईडी दी पूरी विस्तारित रूप लिखो, पीएचडी नूं की, पीएचडी दा की मतलब हैगा, एमए दा की मतलब हैगा, एमबीबीएस दा की मतलब हैगा। सो एलईडी दा मतलब होंदा बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड उहनूं कहिंदे ने एलईडी। ठीक है, सो कहिंदे विक्री कर समेत एक एलईडी टीवी दा मुल रुपए 26,880 है, जेकर विक्री कर तों बिना एलईडी टीवी दा मुल 24,000 है। हुण देखो ए विक्री कर तो बिना यहाँ कि यह मार्क प्राइस है, लिस्टड प्राइस है, छपिया रेट है वह, ठीक है ना, मतलब कि यह मूल रूप से है 24,000 जोड़ा है वह टीवी का मुल है, तो यह जोड़ा है ये जोड़ के है अपना विक्री कर जोड़ के, तो कहते तो विक्री कर दी दर पता करो। सो विक्री करते सीधे निकल जाएगा, दोनों का अंतर कट के असी करा इतने,
ਬੜੀ ਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੂਤਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਮੇਤ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ 26,880 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 24,000 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, 26,880 ਚੋਂ 24,000 ਘਟਾਏ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ 2,880 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਵਿਕਰੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਘਟਾ ਕੇ ਬਟਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਗੁਣਾ 100%। ਸੋ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 2,880 ਰੁਪਏ। ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ 24,000, ਤੇ ਗੁਣਾ 100%। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੱਟ ਗਈ, ਤੇ 24 ਏਕਮ 24, ਤੇ 24 ਦੂਣਾ 48, 12% ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛਪਾਈ 'ਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12%, 12% ਜਾਂ 12%। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨੰਬਰ 7.4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।